नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, गिरते हैं सहज सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहज सवार मैदाने जंग में, वो टिफिन क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों की जो पॉलिटिकल की डिमांड आ रही थी पॉलिटिकल साइंस की, आज उसी पर आधारित बच्चों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक रहेगा, जहाँ से बच्चों हर एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। कौन सा रहेगा बच्चों? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों को बोला जाता है बच्चों शेड्यूल बोला जाता है, ये मतलब अनुसूचियों से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950, तो इस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी बच्चों? 8, और वर्तमान में 4 जोड़ दी गई है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां रहेंगी। बच्चों ये 12 का नाम सुनते ही ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतने याद कैसे होगी। बच्चों मैं कहता हूँ आप तो भूलना ही भूल जाओगे, बस आप साथ बने रहिए, 12 की 12 अनुसूचियां बच्चों चुटकियों में आपको याद है हो जाएगी। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों से बच्चों एक टॉपिक एक क्वेश्चन आना कन्फर्म रहेगा। अब बात आती है बच्चों हमें अनुसूचियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब बच्चों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। कोई विदेशी भारत आएगा ना, उसको इतना टाइम नहीं बनता मिलता बच्चों कि वो 395 अनुच्छेद पढ़ सके, वो केवल 12 अनुसूचियाँ पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है भारत में राज्य कितने हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वोच्च पद किसका होता है, किसकी कितनी सैलरी है, तो बच्चों वो अनुसूचियों के माध्यम से पता लगा पाता है। तो बच्चों अनुसूची है ना 12, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले 6 करते हैं फिर 6 करते हैं। पहली अनुसूची में बच्चों किसका वर्णन मिलेगा? देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का, देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। यानी मैं बात करूं तो भारत में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुसूची में मिलेगा? अनुसूची नंबर 1 में मिलेगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। और अनुसूची नंबर 2 में बच्चों पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है बच्चों? पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का, जैसे राष्ट्रपति की कितनी सैलरी रहेगी, उपराष्ट्रपति की कितनी सैलरी मिलेगी, इनका वर्णन किस में मिलेगा? सेकंड अनुसूचियों में पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का पता चलता है। और तीसरी में पता चलता है बच्चों पदाधिकारियों की शपथ का, कि पद के लिए उनको शपथ कौन दिलाएगा, जैसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो पदाधिकारियों की शपथ का किसमें वर्णन मिलेगा बच्चों? अनुसूची नंबर 3 में मिलेगा। अनुसूची नंबर 4 है ना बच्चों, ये बताती है हमें राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व बताती है। राज्यसभा में सदस्यों का किसके बारे में बताती है? प्रतिनिधि। जैसे बच्चों हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। अब बच्चों हरियाणा डिसाइड ये नहीं कह सकता कि मेरे में 7 होनी चाहिए या 3 नहीं होनी चाहिए, ये पहले से डिसाइड होती है। जैसे बच्चों इस राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर रहेगी? उत्तर प्रदेश में रहेगी। और सबसे कम सीट कहाँ पर रहेगी? सिक्किम और जो 7 सिस्टर उनमें रहती है। तो बच्चों याद रख लेना, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व का पता चलता है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य जाएंगे, किस में मिलेगा? चौथी में। पांचवी अनुसूची में बच्चों वर्णन मिलता है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसका वर्णन मिलता है? प्रशासन। दूसरे शब्दों में मैं कहूं बच्चों एससी और एसटी के प्रशासन का। अनुसूचित जाति के लोग तो बच्चों बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के वो लोग होते थे जो बच्चों आदिवासी होते थे, जिनको हमारी विचारधारा में बाद में जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे बच्चों हरियाणा में कौन से
कास्ट नहीं रहती, तो हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के लोग बच्चों हरियाणा में नहीं रहते, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लोग वो होते थे जो जंगलों में रहते थे, और उनको बच्चों बाद में हमारी विचारधारा में जोड़ा गया था। तो एससी और एसटी के प्रशासन का वर्णन किस में मिलेगा? पांचवी में। और छठी में बच्चों हमें अनुसूचित जनजाति या एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के चार क्षेत्रों का पता चलता है। उसमें रहेगा बच्चों एक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में एसटी के कितने एरिया का पता चलेगा? चार एरिया के प्रशासन का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद ना रहे ना बच्चों, ए एम टी एम से याद कर लेना। किस से याद कर लेना? ए एम टी एम। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ए एम पी एम तो याद करते हैं, हमें ए एम टी एम याद कर लेना। किस में मिलेगा? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन का वर्णन मिलेगा। ये थी बच्चों छह अनुसूचियाँ। अब मैं याद करवाता हूँ आपको याद कैसी करनी है। टेंशन मत लो बच्चों, याद हो जाएगी। देखो राज्य में बच्चों हरियाणा भी आता है ना, राज्य में उत्तर प्रदेश भी आता है, राज्य में महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है, और राज्य में बच्चों क्या आता है? बिहार। याद कैसे करोगे? कोई भी राज्य है ना अपने आप को क्या मानता है? नंबर वन। अब यूटी में दिल्ली खुद को नंबर वन मानती है, चंडीगढ़ खुद को नंबर वन मानता है, हरियाणा, अभी विधानसभा इलेक्शन होंगे ना, एड आएगी नंबर वन हरियाणा, यूपी में इलेक्शन होंगे तो नंबर वन यूपी, दिल्ली में होंगे तो नंबर वन दिल्ली। तो कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप को क्या मानता है? नंबर वन। तो पहली अनुसूची में वर्णन मिल जाएगा। सेकंड में बच्चों याद कैसे करोगे? यहां वेतन दिखाई दे रहा है। आजकल लोग वेतन कैसे कमाना पसंद करते हैं? दो नंबर में। बच्चों आजकल लोग वेतन कैसे कमाना पसंद करते हैं? दो नंबर में। आप किसी सरकारी कर्मचारी से पूछ लो, भाई कितनी सैलरी है तेरी? वो कहेगा, भाई ऊपर से तो 25,000 आते हैं लेकिन नीचे से अच्छा काम चल जाता है। तो नीचे का मतलब होता है टेबल के नीचे से। बच्चों कितनी बड़ी दुर्दशा है, कभी कभी तो रोना आ जाता है। एक 80,000 की सैलरी लेने वाला व्यक्ति है ना, एक 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाले मजदूर से बच्चों रिश्वत मांग लेता है, उस दिन मानवता है ना शर्मसार हो जाती है। बच्चों हम युवा ही इस स्थिति को बदल सकते हैं। तो लोग वेतन कैसे कमाना पसंद करते हैं? दो नंबर में। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्तों का वर्णन मिलेगा। अब अनुसूची नंबर तीन, शपथ में भी कितने नाम? तीन। अनुसूची कौन सी? तीन। अब आप कहोगे, सर वेतन में भी तो तीन नाम थे, लेकिन वेतन कैसे कमा रहा है? दो नंबर में। शपथ में कितने नाम? तीन। अनुसूची नंबर कौन सी बच्चों? तीन। अब बच्चों जहां पर चार व्यक्ति इकट्ठे हो जाए वहां क्या बन जाती है? सभा। जहां पर चार व्यक्ति इकट्ठे हो जाए वहां पर क्या बनेगी? सभा। लेकिन बच्चों ये लोकसभा नहीं है, कौन सी सभा है? राज्यसभा में किस स्टेट से कितने सदस्य जाएंगे चुनकर। अब पांचवी, अब बच्चों पांच को एस के एस सी, पांच की आकृति किसके हिसाब से है? एस के आधार पर। तो एस सी और एस टी का वर्णन किस में मिलेगा? पांचवी। और छठी में आपको बच्चों एस टी के चार एरिया याद करने, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पहली को याद कैसे करोगे? कोई भी राज्य अपने आप को क्या बताएगा? नंबर वन। तो पहली में राज्य में देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का लोग वेतन कैसे कमाना पसंद करते हैं? दो नंबर में। तो दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन मिल जाएगा? वेतन व्यवत्तों का। शपथ में तीन नाम। तीसरी अनुसूची में शपथ का, चार व्यक्ति मिलकर सभा, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, पांच की बनावट एस के आधार पर, एससी और एसटी का प्रशासन, छठी में एसटी के चार एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करना बच्चों मुश्किल नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, फिर टॉपिक को आगे कैरी करते हैं। अब बात आती है बच्चों सातवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है बच्चों? सातवीं अनुसूची रहेगी। बड़ी मज़ेदार अनुसूची है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी रहता है। सातवीं अनुसूची से क्वेश्चन बनना लाजमी है। सातवीं अनुसूची बताती है बच्चों शक्तियों का विभाजन। किसका विभाजन बच्चों? शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन बच्चों तीन प्रकार की जैसे सूची होती है, एक तो होती है बच्चों संघ सूची हो गई, एक राज्य सूची हो गई और एक होती है बच्चों समवर्ती सूची। अब ये सातवीं अनुसूची में डिसाइड होता है कि कितने विषय संघ सूची में जाएंगे, कितने राज्य में जाएंगे और कितने समवर्ती। एक बार आया था बच्चों संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार किसको होता है?
केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में नाम से पता चल रहा है अधिकार किसको होगा, राज्य में। और समवर्ती सूची में बच्चों केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य, यानी दोनों। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो चुके हैं। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र। राज्य सूची पर कौन बनाएगा, राज्य। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएंगे, दोनों। केंद्र भी बना सकता है और कौन बना सकता है, राज्य। यहां से बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो जाए, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो जाए तब बच्चों कानून है ना किसका माना जाएगा, केंद्र का वैलिड माना जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों 101% आने के चांसेस रहेंगे। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो जाए तो कानून किसका वैलिड माना जाएगा, केंद्र सरकार का वैलिड माना जाएगा, ये याद रखना। अब बच्चों संघ सूची में पहले 97 विषय होते थे, अब इसमें 100+ विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब इसमें 62 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब इसमें कितने हैं, 52। बच्चों ये विषय है ना ये घटते और बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास, और राज्य सूची में राज्य सरकार के पास, और समवर्ती सूची में बच्चों दोनों के पास होता है। लेकिन विवाद की स्थिति में कानून किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का माना जाएगा। अब बात आती है बच्चों, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं संघ सूची में, बाकी आप किताब से चेक कर लेना। संघ सूची में बच्चों जितने इंपॉर्टेंट विषय होंगे ना वो संघ सूची में चले जाएंगे, जैसे रक्षा हो गया, जनगणना हो गया। अब बच्चों जैसे पुलवामा अटैक हुआ था पीछे हमारे, 14 फरवरी को 141 फौजी भाई शहीद हुए थे, तो किसी ने बच्चों मनोहर लाल खट्टर से नहीं पूछा कि पुलवामा अटैक के पीछे क्या कारण था, सभी ने किससे पूछा, नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी जी से पूछा, नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर रहेंगे, केंद्र में रहेंगे ना। तो बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट विषय है ना, जैसे रक्षा हो गया, जनगणना हो गया, किस सूची में जाएंगे, संघ सूची में बहुत से विषय है बच्चों, आप चेक कर लेना, सारी एक लिस्ट मिल जाएगी किसी भी बुक से, आप चेक कर लेना। यहां मैं आपको समझा रहा हूं जितने भी इंपॉर्टेंट विषय होंगे ना वो किस में जाएंगे, संघ सूची। जैसे राज्य सूची में बच्चों कोई विषय हो गया पुलिस, पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय रहेगा। जैसे बच्चों हरियाणा में अभी 6400 भर्तियां निकली हुई है, अब नरेंद्र मोदी जी को तो टेंशन नहीं है ना हरियाणा में कितनी वैकेंसियां निकालनी है, ये टेंशन किसको है बच्चों, मनोहर लाल खट्टर को रहेगी। तो यूपी में अगर पुलिस की भर्तियां निकालनी है तो योगी आदित्यनाथ को रहेगी। तो पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य। और समवर्ती सूची में बच्चों जैसे जन्म पंजीकरण हो गया, जन्म पंजीकरण हो गया, विवाह पंजीकरण हो गया, जो इंपॉर्टेंट विषय कम होते हैं ना वो किस में चले जाते हैं, समवर्ती। और समवर्ती सूची में बच्चों कानून दोनों बना सकता है, अगर विवाद की स्थिति में किसका कानून माना जाएगा, केंद्र सरकार का वैलिड माना जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों, जब हम संविधान बना रहे थे ना उस समय वो चीज़ें नहीं थी, और जो चीज़ें बाद में जुड़ गई, जैसे एक विषय का एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, इंटरनेट। इंटरनेट भारत में कब आया था, 1995। 1950 में तो बच्चों हमें इंटरनेट के बारे में नॉलेज भी नहीं थी ना, तो 1950 में आया है, 1995 में आया है। तो बच्चों इनके लिए ना एक अलग से शक्तियां बना दी जाती है, वो है अवशिष्ट शक्तियां। कौन सी शक्तियां बच्चों, अवशिष्ट शक्तियां रहेगी, और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार होता है बच्चों संसद को। ये आ चुका है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद। अगर बच्चों संसद ऑप्शन में ना हो तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलेगा, केंद्र को। पहली प्रायोरिटी तो बच्चों अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाने का केंद्र की रहेगी, केंद्र ऑप्शन में ना, ये सॉरी संसद की रहेगी, संसद ऑप्शन में ना आई तो आपको क्या करना है, केंद्र सरकार। तो बच्चों अब बात आती है, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ और क्लियरफाई कर देता हूँ। ये अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे, जैसे बच्चों इंटरनेट है, इसका पता नहीं था 1950 में आगे होगा या नहीं होगा, तो इसको किस में डाल दिया गया, अवशिष्ट शक्तियों में। पहले बच्चों इंटरनेट का पता नहीं था, आज बच्चों इंसान है ना पानी के बगैर रह सकता है लेकिन इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकता। आज के टाइम में क्या होता है बच्चों, हम अगर ना कहीं पर सुबह सुबह पेपर देने जाना हो, चंडीगढ़ पेपर देने जा रहा हो, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए बच्चों, 100% फोन चार्ज रहना चाहिए और एक ईयरफोन होना चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे अपने पड़ोस में ना पड़ोसी सीट पर बैठ कर बम बना रहा है, अपने को बच्चों उससे भी मतलब नहीं है। और कई बार क्या होता है बच्चों, मतलब सुबह चंडीगढ़ पेपर देने जाना था, रात को फोन चार्ज लगाया और जब उठे ना सुबह
तो हमने देखा बच्चों वो चार्जिंग वाली है ना बटन ऑन करना भूल गए थे। उस दिन तो बच्चों हमारा सब कुछ लुट जाता है, ऐसे लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम फ़ोन को दोबारा चार्ज कर लें। और फ़ोन बच्चों जब वो 10% से कम आता है, जब वीप करता है ना फ़ोन, तब बच्चों हम ना चार्जर को ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जैसे कोई पेशेंट है ना वो ICU को ढूंढ रहा होता है। तो ये तो बच्चों चलता ही रहता है, ये तो फ़ोन के बगैर आजकल जीवन संभव नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब बच्चों इम्पोर्टेंट बात आती है कि इंटरनेट है ना, ये एक ऐसे विषय है ना जो बाद में आएंगे, वो किस में चले जाएंगे, अवशिष्ट शक्तियों में। अब बच्चों बात आती है आठवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची है ना बच्चों, ये मानक भाषाओं का वर्णन करती है। किस भाषाओं का? मानक भाषाओं का। मानक भाषाएं बच्चों स्टार्टिंग में ना मानक भाषाएं होती थी 14, और अब वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? 22। पहले कितनी होती थी? 14। बच्चों अब ना 1967 में ना एक भाषा जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 मतलब बच्चों 92 में तीन भाषाएँ जोड़ी गई थी, एक नेपाली जोड़ी गई थी, एक मणिपुरी जोड़ी गई थी, और एक जोड़ी गई थी कोंकणी। तो नेपाली मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ी गई थी? 1992 में। और ये बच्चों कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन। अगर बच्चों ये याद ना हो ना तो नमक से याद कर लेना, न से नेपाली, मै से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। कब जोड़ी गई? 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? बच्चों 71 और 21 का जोड़ कितना होगा? 92। अब बात आती है बच्चों चार भाषाएं जोड़ी गई 2003 में। एक जोड़ी गई बच्चों बोडो जोड़ी गई, एक डोंगरी जोड़ी गई, एक संथाली जोड़ी गई और एक मैथिली जोड़ी गई। तो बच्चों चार भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 2003 में। बोडो जोड़ी गई, डोंगरी जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, मैथिली। इनको याद ना रहे ना बच्चों VDMS से याद कर लेना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बच्चों 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, याद रह जाएगा बच्चों। एक ये मतलब 14 पहले थी, 1967 में एक जुड़ी, 1992 में तीन, 2003 में चार। चार और तीन 7 और एक 8। वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 है। याद कैसे करोगे? 1967 में सिंधी जोड़ी जाती है 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी जाती है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 2003 में VDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी बच्चों? 2003 में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बच्चों हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बच्चों? 8 अनुसूचियां थी। याद करना बच्चों जो 4 अनुसूचियां बच्चों और रहती है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और भी बच्चों अनुसूचियों से रिलेटेड है ना, उस टॉपिक में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली अनुसूची में बच्चों देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता था, दूसरी में वेतन व भत्तों का वर्णन मिलता था, तीसरी में शपथ का, चार आदमी मिलेंगे किसका निर्माण करेंगे, सभा का, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, पांचवी में SC और ST के प्रशासन का वर्णन मिलता था, छठी में ST के चार एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सातवीं में बच्चों शक्तियों का विभाजन, आठवीं में मानक भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो आपको बच्चों हमें कमेंट करके बताना है कि 1992 में कितनी मानक भाषाएं नई जोड़ी गई थी और वो कौन कौन सी थी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।